हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल और इन्फो हिंदी में। दोस्तों, इस वक्त बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा गम में डूबा हुआ है, क्योंकि कल ही हमने बॉलीवुड के एक अच्छे सितारे इरफान खान को खो दिया और आज ही हमें खबर मिली कि ऋषि कपूर जी भी हमें छोड़कर चले गए हैं। बॉलीवुड के ये दोनों सितारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री और लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। इरफान खान का अपनी एक अलग ही पहचान थी, अपनी एक अलग छवि उन्होंने अपने किरदार के थ्रू छोड़ी हुई थी। वैसे ऋषि कपूर अपने प्यार भरे, अपने नटखट और गुस्सेल मिजाज के तौर पे लोगों में हमेशा मशहूर रहते थे। बॉलीवुड की माया नगरी को इन दिनों काफी बुरी नजर लग गई है। अब इस इंडस्ट्री में एक सितारे को खो जाने की खबर से पूरी माया नगरी शोक में डूबी थी। दूसरी खबर ने सभी को तोड़ कर रख दिया। लोग इस दुख भरी घड़ी में से उभर ही नहीं पा रहे हैं। ऋषि कपूर की हुई अचानक मौत से अब जल्द ही उभर पाना मुश्किल नहीं होगा। इसका रणवीर के लिए, जो वो हर घड़ी में अपने बच्चे के साथ खड़े रहते थे, उन्होंने हर पल रणवीर को संभाले रखने से भरपूर सहयोग दिया था। फिर चाहे बात करें घर की या फिर बाहर की, आज हम आपको इसी से जुड़ी एक वाक्या बताने जा रहे हैं। ये बात उस समय की है जब सलमान खान और रणवीर कपूर के बीच कोल्ड वार चल रहा था। दोनों सितारे काफी समय से एक दूसरे को इग्नोर करते आ रहे थे। दोनों स्टार्स के बीच के फासले की वजह एक लड़की को लेकर दोनों का अट्रैक्शन माना जाता था। बताते कि जब से कटरीना ने सलमान से नाता तोड़ रणबीर कपूर को डेट करना शुरू किया, तब से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। वैसे रणबीर और सलमान के बीच झगड़े की वजह कटरीना के साथ रणबीर का अफेयर नहीं, बल्कि कटरीना के रणबीर के जीवन में आने से पहले ही विवाह शुरू हो चुका था। ये बात उस समय की है जब रणबीर के बॉलीवुड में एंट्री भी नहीं की थी। रणबीर और सलमान मुंबई में एक मशहूर पब में आमना सामना हो गया था, जिसमें दोनों के बीच बहस हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सलमान ने रणबीर को तमाचा रशीद कर दिया। रणबीर सलमान की इस हरकत से आग बोगला हुए और पार्टी छोड़कर निकल गए। जानकर ये कहते हैं कि बाद में सलमान के पिता सलीम खान ने पहले सलमान की क्लास देखा और बाद में रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर से माफी मांगी। वही पुरानी घटना की वजह से दोनों के बीच अदावत बनी रही और बाद में कटरीना की वजह से दोनों के रिश्तों में दरार और बढ़ गए। अब तो आलम यह है कि रणबीर और सलमान जब किसी इवेंट में साथ होते हैं तो वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो हमें जरूर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल और इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।